दोस्तों आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 24 प्रदेश खबर चैनल। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं शशि बाला शर्मा, जो कि एक समाज सेविका हैं, नवोदिका विद्या मंदिर की चेयरमैन हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष हैं ब्राह्मण समाज से, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं शशि बाला शर्मा। शशि बाला जी, क्या कहेंगी, जो आप महिलाओं का प्रमुख त्यौहार आ रहा है करवा चौथ, इसको लेकर आप क्या कहेंगी, क्यों मनाया जाता है करवा चौथ? सारे ब्रजवासियों और उनकी पत्नियों को हमारा करवा चौथ का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और ये करवा चौथ का बहुत ही पवित्र पावन त्यौहार है और इस दिन सारी स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और भगवान से कामना करती हैं कि वो आने वाले दिनों में बहुत सुखी संपन्न रहे, खूब आगे बढ़े और उसको खूब सफलता मिले। क्या एक ही दिन व्रत रखने से पति की लंबी आयु हो जाती है, एक दिन के व्रत से ही? कितने सालों से व्रत रखते आ रहे हैं शादी के बाद, एक दिन की वो नहीं है ये मंगल कामना, ये कितने सालों की मंगल कामना है। और यहाँ की स्त्रियाँ तो इतनी अच्छी हैं, इतने मतलब सरल हृदय वाली हैं कि वो हर रोज़ मंगल कामना करती हैं, तो प्लस वो भी जुड़ गया तो आप समझिए कितनी मंगल कामनाएँ हो गई। और उन मंगल कामनाओं के साथ ही पति जो है आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैडम, जैसे कि अघोई अष्टमी का पर्व आता है, अघोई अष्टमी तो आप गोवर्धन की निवासी हैं और आपके गोवर्धन में बड़ी धूमधाम से मनता है राधा कुंड में, तो अघोई अष्टमी को मनाने से क्या फल देते हैं राधा रानी? होई अष्टमी का त्यौहार भी बहुत पवित्र पावन त्यौहार है और अक्सर ये पुत्र के लिए रखा जाता है, पुत्र की लंबी आयु के लिए और संतान की कामना जिनको होती है वो होई अष्टमी का व्रत रखती हैं। और राधा कुंड में जो इसका विशाल अच्छे से जो इसका समापन और इसका जो संयोजन होता है वो तो खैर देखने लायक है, ऐसा तो संसार में कहीं नहीं है। राधा रानी साक्षात वहाँ आती हैं रात में और वो सबको वरदान बांटती हैं। जो एक बार वहाँ राधा कुंड में जिसने स्नान कर लिया, समझ लो उसकी संतान 100% हो जाती है। जैसे कि मैम सारे ग्रुप से जुड़े हुए, यूट्यूब से जुड़े हुए लोगों को संदेश में बताएं कि राधा कुंड में स्नान करने से पुत्र की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति जरूर होती है। मतलब 100% हमने जो भी हमारे जान पहचान में और जो भी हमारे संपर्क में आई हैं और जो भी वहां पर जाकर के नहाई हैं, स्नान किया है, उनको संतान प्राप्ति 1 साल के अंदर हो गई है। आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 24 प्रदेश खबर चैनल के माध्यम से, जो कि एक समाज सेविका हैं, भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं, योगी मोदी की विचारधारा से जुड़ी हुई हैं, कट्टर हिंदुत्व की सिपाही हैं शशि बाला शर्मा। शशि बाला शर्मा ने बताया कि किस तरह से अघोई अष्टमी व करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। आप सब देख रहे हैं लाइव टेलीकास्ट, कैमरामैन सुषमा ठाकुर के साथ राहुल शर्मा। पल पल की खबर मथुरा जिले की हर